सीजन है, कहीं घूमने की जगह नहीं मिल रही है, आ जाओ बस घुमा दूंगा। मैं हूँ अग्रिम पोरवाल AKA शाइनिंग सन। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ धर्मराजेश्वर आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, जो बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई है। और ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये MP टूरिज्म के द्वारा यहाँ पर मैनेज किया जाता है। एंड ये जो साइट है, दिस इज द बेस्ट साइट फॉर यू गाइस टू ट्रेवल इन मॉनसून। राजेश्वर जो साइट है वो एक हिडन साइट है। ये जो साइट है, ये आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर सिचुएटेड मिलेगी। ये जो साइट है, हिडन होने के कारण यहाँ के टिकट्स अभी ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, एंड टिकट्स जो है वो भी बहुत कम प्राइस पे आपको यहाँ के टिकट्स मिल जाएंगे। सो जो इस जगह की लोकेशन है वो मैं वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और आसपास आपको स्टे करने के लिए जगह भी मैं वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा। अभी जो आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, यह है यहाँ की बड़ी कचहरी, जिसको आप हाई कोर्ट भी कह सकते हो, एंशियंट टाइम का। सो इसी जगह पर उस टाइम पर जो सजाएं वगैरह है वो सुनाई जाती थी। तो चलिए अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं यहाँ के प्राचीन शिव जी के मंदिर में। यह मंदिर का बहुत महत्व है इस पूरी आर्कियोलॉजिकल साइट पर, क्योंकि जब पांडव यहाँ पर आए थे तो वो मंदिर बनाने ही आए थे, और उसी के कारण यहाँ पर जो पांडव भीम है वो यहीं रह गए थे। जैसा कि आप लोग मेरे आसपास देख सकते हो, मेरे पीछे देख सकते हो, ये सब बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और इन चट्टानों को काट कर मंदिर बना रखा है। तो ये एंशियंट इंडिया की एक पहचान है, आप लोग मेरे आगे पीछे और मेरे आसपास में देख सकते हो। जैसे कि आप मेरे आसपास देख सकते हो, मेरे पीछे देख सकते हो, बड़ी बड़ी चट्टाने काट कर यहाँ पर शिव जी का मंदिर बनाया गया है। ये आर्कियोलॉजिकल साइट बनाई गई है, आप लोग देख सकते हो एंशियंट इंडिया कितना डेवलप्ड था। तो मैं आपको पीछे जो शिव जी का मंदिर बना हुआ है वहां पर ले चलता हूं, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस वीडियो के यहां तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरे पीछे जो है यह पांडव भीम की मूर्ति है। मान्यताओं के अनुसार यह यहाँ पर माना जाता है कि जब सारे पांडव मिलकर यह मंदिर बना रहे थे, यहाँ पर जो शिव जी का मंदिर है, उस टाइम पर सारे पांडव चले गए थे और भीम यहीं पर सोए रह गए थे। आज भी भीम यहीं पर सोते हैं, और यह भीम की मूर्ति है, यह मान्यता है। अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं भीम बाजार में। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, माना जाता है जो पहले का टाइम था, एंशियंट टाइम, उस टाइम पर यहाँ पे बाजार लगता था, और यहाँ पे जो है सेल्स होती थी, और उसी के साथ यहाँ पर लोग जो है, जिस टाइम पे बार्टर का टाइम चलता था, एक चीज के बदले दूसरी चीज लेने का, वह जो प्रथा है वो इसी बाजार से चालू हुई थी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जगह जगह इस टाइप से दुकानें बनी हुई है। फिलहाल तो इनको पैक कर रखा है, बट एंशियंट टाइम पर यहाँ पर व्यापार होता था अलग अलग तरह का। राजा के टाइम पे सोने चांदी हीरे जवाहरात, बाकी उसके बाद भी यहाँ पर बहुत टाइम व्यापार हुआ। उसके बाद जब ये आर्कियोलॉजिकल साइट बनी तो इस टाइप से साइट को कुछ बंद कर दिया गया, और अभी ये साइट टूरिस्ट के लिए ओपन प्लेस है। यहाँ पर एक बार आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च हुई थी, और उस रिसर्च में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा यह मानना है कि यह जो गुफा भी बंद हुई हुई है, धर्मराजेश्वर से उज्जैन महाकाल का रास्ता इस गुफा से जाता है। समथिंग 200 किलोमीटर का रास्ता है जिसकी गुफा बनाई गई है। Thank you.
जैसा कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट तो है ही है, उसके अलावा ये जो धर्मराजेश्वर की गुफाएं हैं और जो शिव जी का मंदिर है, ये एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड हाई पॉइंट पे है। सो यहाँ से आपके जो फोटो है आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छे आएंगे। तो अगर आप फोटोशूट के हिसाब से भी यहाँ पर आ रहे हो, देन दिस इज अ बेस्ट प्लेस फॉर यूर फोटोज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यह एक हिडन प्लेस है, एक हिडन जेम है, यहाँ पर आके आप रिग्रेट नहीं करोगे। तो देखो, अगर आप मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में या फिर मध्य प्रदेश में कभी विजिट करते हो तो एक बार धर्मराजेश्वर टेम्पल और यहाँ की जो गुफाएं हैं उनको विजिट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।